धार्मिक नहीं कहा, धर्मः शीलम यस्य असौ, स्वभाव धर्मशील है। तो उनके वंश का सब तो वर्णन किया है, भगवान यदुवंश में उतर करके जो उन्होंने जगत के कल्याण के लीला की है, हमको अब वो सुनाओ। बच्चा अब ये हमारे कथाकार लोग बहुत प्यार से बात सुनाते हैं कि ये निवृत्त तरसई रूप की अमानात इत्यादि क्यों कहा परीक्षित, कई दिन हो गए, ऐसा करो उठ के थोड़ा हाथ वो धो लो, कुल्ला कर लो, पानी पी लो, प्यास लगी होगी, भूख लगी, कुछ खा पी लो। तो परीक्षित जी कहते हैं प्रभो प्यास और भूख क्या होती है ये हमको मालूम है, इसी भूख के प्यास से विचलित हो करके तो हमने ऐसा गुर गंभीर दुराचरण किया, पातक किया। मुझे उसकी पीड़ा मालूम है, उपनिषद इनका वर्णन आया है। लेकिन प्रभो उत्तम श्लोक गुणानुवादात, ये जो आप भागवत सुना रहे हो ना, तो मैं तो लगातार पी रहा हूं, ये फल भी है और रस भी है। रस पी लिया प्यास गई, फल खा लिया पेट भर गया, हमको भूख प्यास लगी नहीं रही। आप बढ़िया ही थी, आप खुश हो गए, वाह। अरे मैं क्यों निवृत्त तरसई, ये गुणानुवाद के विशेषण है। गुणानुवाद उत्तम श्लोकस्य, जो उत्तम लोगों के द्वारा श्लोकित हैं, भगवान श्री कृष्ण हैं, उनके गुणगान। ए भाई अब ऐसे तो काम नहीं चलेगा, थोड़ा गियर बदलो, चेंज। अच्छा इसको कह लेते हैं बस, अब लोग तो ठीक, अब आगे से होशियार। नवत ये अद्भुत शब्द है, निवृत्त तरसई उपगीयमानात् भवौषधात् श्रोत्र मनोभिरामात् कः उत्तम श्लोक गुणानुवादात् पुमान विरज्येत बिना पशुनाद। भगवान के गुण, गुणानुवाद या गुण कथन इतना मधुर है, ये भवौषधि है। भवति इति भव, संसार रूपी रोग की वो दीर्घ रोग भव एव साधु, समस्त रोगों की जड़ ये भव है। संसार माने ये ध्यान करो, ये दुनिया संसार नहीं है, ना ना रास्ते हम लोग जाते कितने मकान कितने कहां किसी के पास हमको होता है। जिसके साथ तुमने मैं मेरी और तू तेरी जोड़ ली है वही भव है, वही संसार है। और जगह आग लगती रहे आपको कोई फर्क नहीं पड़ता है, और अगर तुम्हारी पॉकेट से 100 रुपया निकल गया, ये पहली बात, अब तो मुझे मालूम नहीं क्या हालत होगी, तो 100 रुपया हमारा है। तो ये रोग है, को दीर्घ रोगा भव, भव माने जो हमारे आकर्षण से राग से चिपकने से,
जिससे हम चिपकेंगे ना उसी को कहते हैं संसार। आसक्ति मतलब चिपकना है। किससे चिपकोगे? जो अपना है उस चिपकने को छुड़ाना है। नारियल तो एकदम ठीक रहेगा, वो जो खपड़ी के संग चिपक गया है उसी से खपड़ी टूटने पर टूट जाता है, खपड़ी से अलग हो जाए टूटती रहे खपड़ी अपनी खोपड़ी में जाए नारियल वैसा वैसा। तो भाव ये तो भाव माने भवासक्ति को, भाव माने संसार में जहां जहां हमारी आसक्ति है उस आसक्ति को निवारण करने के लिए ये औषध है, हमारी आसक्ति को निवृत्त करती है। तो दवाई कड़वी चिरायता, बड़ी बढ़िया दवाई है चिरायता। चिरायता क्या है? मीठी दवाई है, बड़ी मीठी है। क्या है? राम नाम लड्डू, गोपाल नाम खीर और कृष्ण नाम मिश्री, वह बड़ी मीठी। सुनने लग जाए तो होश ही बिगड़ जाए कि पोथी भी खोलनी है, आगे नाटक भी करना है। ये भव औषधात, लेकिन ऐसी औषधि नहीं, इंजेक्शन भी तो औषधि ही है। अगर कहीं वो ऑयल बेस्ड इंजेक्शन लगाया जाए माय डियर, तो अब उसके फल में गुड़ बुद्धि है इसलिए सहन कर लेते, कितनी पीड़ा होती। इस तरह की नहीं है माय डियर, वेरी स्वीट। केवल कान को ही नहीं मन को भी चिपका लेती है, मनोभिरामा उसमें रमण करता है, मन उसमें लग जाता है। और निवृत्त तरशी उपकी अमाना, आपके जैसे जिनको हर प्रकार की तृषा से छूट मिल गई है, निवृत्ता तृषा ये शाम निवृत्त तर्श, इसको गा कौन सकता है? वाह 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 वाह, ये भागवत जो है ना, जिनको लौकिक तृषा है ना वो ईमानदारी पूर्वक नहीं गा पाएगा। लौकिक गाएगा अच्छा है, गाते गाते कल्याण हो जाएगा, मिश्री खाते खाते जब रोग नष्ट हो जाए तो मिश्री मीठी लगने लग जाएगी, इसलिए वो भी गाएं। लेकिन वास्तविक गान तो कौन हो करेगा? निवृत्त तर्षई, जिनकी समस्त तृषाएं माने भगवत रस की तृषा के अतिरिक्त, हमारे कहते हैं ना तद्भिन्नत्व सति, कोई चीज रह जाती है उसका कहते हैं तद्भिन्नत्व से, तो इनकी तृषा सब निवृत्त है लेकिन एक तृषा बाकी है, तो तद्भिन्नत्व सति कर देना। भगवान के गुणगान की तृषा और भगवान के गुण श्रवण की कथा, ये जो उत्तम श्लोक गुणानुवाद है इसकी तृषा तो है। तो यहां निवृत्त तर्षई का तात्पर्य लगाने में भगवत लीला कथा श्रवण और भगवत कथा गान, इनसे भिन्न तृषाएं सब नष्ट हो गई है। यहां पर इस तरह से अर्थ लगाओ कि तृषा माने लौकिक तृषा, अपने से भिन्न तृषा। अब तृषा आपके माने जैसा अभी हम लोग कृपा पूर्वक श्रवण कर रहे थे कृपा प्रसाद रूप में, मोक्ष की भी अभिलाषा नहीं है। आगे आएगा इसी में, सायुज मोक्ष है, सामीप्य मोक्ष है, सालोक्य मोक्ष है, सार न जाने
तो वही हम लोग सुन रहे थे, जैसे कि उनको बद्ध तो नहीं कह सकते हो, बद्ध भी नहीं है, लेकिन वो अपने को मुक्त नहीं कहेंगे और हम भी नहीं कहेंगे, क्योंकि कृष्ण के प्रेम में तो बंधे हुए हैं, तो हम भी नहीं कहेंगे, हम भी उनके साथ जुड़ जाते हैं। ठीक है, आप ठीक कह रहे हो, कृष्ण प्रेम में बंधे हुए अन्य सब वस्तुओं से निवृत्त तर्श ऐसे महापुरुष ही श्रीमद् भागवत कह सकते हैं। अरे माय डियर सुखदेव, जैसा नंग धड़ंग अपनी कृत्य, और वो भी जब सुन लेता है अहो बकीयम स्तन काल कूटम, तो वो भी प्यासा हो जाता है। बाप बुला रहा, बेटा बेटा अरे जाओ, कौन किसका बेटा कौन किसका बाप, न जाने कितने जन्म में तुम बाप बने कितने न बने, अरे तेरा संस्कार तो कर दे, संस्कार क्या करोगे, कोई विकार हो तो संस्कार करोगे, चल दिए निवृत्त तर्श। और वही जब भगवान के गुणों का श्रवण कर लिए, स्वरूप का श्रवण कर लिए, तो तृषावंत हो करके, तृषावंत हो ही ए भाई तृषा, ये इनके तो आप हमको और भगवान भगवान की लीला सुनाओ। कौन भगवान? अरे इतनी बड़ी कौरवों की सेना, और उसमें हमारे बाप की क्या दशा होती, दादाओं की क्या दशा होती, जिन भगवान ने वहां उनकी रक्षा की, जिन्होंने हमारी दादी को किया। अरे ये शरीर जो मेरा सामने खड़ा हुआ है, ये भी उनके प्रसाद का ही फल स्वरूप है, ऐसे श्री कृष्ण की लीला सुनाओ। एवं निशम्य भृगुनंदन साधुवादम वैयासकी स भगवान अथ विष्णुरातम प्रत्यर्च कृष्ण चरितम कलिकल कलिकल्मशग्नम व्याहर्तुमारभत भागवत प्रधान। भागवत प्रधान विशेषण देखो कैसे अद्भुत अद्भुत, महाराज जी माने एक ही में सद में चिपक जाओ ऐसे। भागवत प्रधान क्या बात, वाह 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 क्या बात है, घोर घोर पी। सम्यक व्यवसिता बुद्धि तव राजर्षि सत्तमा वासुदेव कथायां ते यज्जाता नैष्ठिकी रतिः। गियर बदलिए वक्ता महोदय। वासुदेव कथा प्रश्ना पुरुषां स्त्रीणा पुनातिः वक्तारं पृच्छकम् श्रोत्रिस्तत्पाद सलिलम यथा। थोड़ा दो एक शब्द के ऊपर हम लोग विचार करके फिर स्पीड कर लेते हैं। श्री परीक्षित जी ने उनको मुनि सत्तम कहा है तो गुरु जी हैं, उनकी प्रशंसा करना वंदना करना परीक्षित जी के लिए साधु है। मुनि सत्तम का अर्थ है मननान मुनि, जो संसार के स्वरूप के बारे में मनन करते हैं वो मुनि है। मनन करेंगे तो अपने आप अलग अलग हो जाएगा विवेक। तो वो है मुनि मनन करने वाले, और मनन करते करते जब उनके मन में भागवत या भगवान के प्रति प्रेम हो जाए, भजन भी करने लग जाए, तो वो तरह प्रत्यय लगा दो मनुष्य तरह। और जिनके मन में उस भजन के अनंतर भगवान के प्रति अत्यंत प्रगाढ़ रति हो जाए,
तो मनन भी करते हैं, लेकिन भगवत चरणारविंद में जिनकी आत्यंतिकी रति है, देख लो मुनि सत्तमा। तो ये तो ठीक है, लेकिन अपने शिष्य के लिए और बेस्टेस्ट जैसे मैं कहता हूं, अब तो आप सब लोग जान गए हैं, और जो लोग सुन रहे हैं उनको क्रिटिसाइज करना हो ना, वो भी समझ ले कि मेरा बेस्टेस्ट का मतलब वो मुझे आता है, लेकिन मैं उसका जोर लगाने के लिए कहता हूं, तो प्लीज टेक इट इन दैट सेंस। मैंने अंग्रेजी में कोई बेस्टेस्ट है नहीं, बेस्ट ही है, गुड बेटर बेस्ट। लेकिन हम उसको भी चरम कर देते हैं, बेस्टेस्ट कर देते हैं, तो वो अब हमारा शब्द है, क्या बात है। अरे हमारे ये पंडित लोग दुनिया भर के शब्द गढ़ लेते हैं, तो हमको एक शब्द नहीं गढ़ने दोगे? दे दो परमिशन, जा गढ़। अरे कुछ नहीं होगा तो प्रसोदारादीन यथोपदिष्टम से तो करने दोगे कि नहीं पंडित लोग? मरे प्रसिद्ध देखो, शब्द का तात्पर्य है अपना हार्द प्रकट करना, यही शब्द के प्रयोग का तात्पर्य है। अगर हमारा हार्द उससे प्रकट होता है तो प्लीज उसको स्वीकार करो। हमारे यहां कहा जाता, किसी शब्द का या विषय का जो प्रतिपादित, उसका तात्पर्य कैसे कैसे निकालना है, उसके लिए कुछ चीजें बताई हैं, आज तो नहीं बताऊंगा, लिखी हुई पढ़ लेना। इन इन चीजों को देख करके और फिर जो प्रतिपादन किया जा रहा है उसका तात्पर्य ग्रहण करो। है तो हम सीधे कहें हमारे प्रार्थना पर ग्रहण कर लो, छुट्टी हो जाए, तुम्हारी भी छुट्टी हो और हम भी बच गए। तो ये कैसे, तो ऋषि किसे कहते हैं और राजर्षि किसे कहते हैं? ऋषयस्तु मंत्र दृष्टारः, ऋषि माने मंत्र दृष्टा, मंत्र माने मनन से जो यथार्थ पता चलता है या जिसके माध्यम से पता चलता है वो मंत्र है। मंत्र दृष्टारा माने यथार्थ दृष्टारा, सत्या सत्य का विवेक जिनको हो गया है, ते खलु ऋषि। राजाओं में भी राज्य करते हुए भी जनकादिक की तरह ऋषया जनकादया राज्य भी कर रहे हैं, लेकिन सत्य और असत्य का विवेक। राज्य बंधन नहीं है, अविवेक बंधन है, वो विवेक संपन्न है, इसलिए राजर्षि हैं। उनमें विवेक वालों के हृदय में जब भगवान की ओर उन्मुख होने की धारणा जागृत हो जाए तो उनमें तर्प पद राजर्षि 70 और उनको प्रेम है 70 को। लेकिन रति और प्रेम में अंतर है। प्रेम आकर्षण है, जरूर बहुत अच्छी चीज प्रेम, हमारे नारद जी तो उसके ऊपर लट्टू हैं, लेकिन रति माने लंपटपना। कृपा करके इसका अनर्थ मत कर देना प्लीज। माने उसके बिना रहा ही न जाए, ऐसी तीव्र इच्छा अभिलाषा जिनकी होए, ऐसी तीव्र अभिलाषा, इसमें अन्य सब अभिलाषाएं दूर हो जाती हैं।
सूत्र है ना, काम क्रोधाय तस्मिनेव कर्तव्यम, उसी का पहला है ये। तो अन्यत्र बुद्धि जाए ही नहीं, तदर्पिता खिलाचारा, ये जिनकी स्वाभाविकी रति हो जाती है उनका सोना उठना बैठना खाना पीना नाचना गाना श्रृंगार करना डिजाइन बनाना ये सब का सब तदर्पिता खिलाचारा। गोपिकाओं का श्रृंगार कृष्ण के लिए है, दधि मंथन कृष्ण के लिए है। अरे यार, कृष्ण से लड़ना भी कृष्ण के लिए है, झूठ भी बोलना कृष्ण के लिए। तो तदर्पिता खेला जा रहा वो, तो तेरी नैष्ठिकी रति और विशेषण लगा दिया, तेरी इतनी निष्ठा पूर्वक जो तेरी वासुदेव कथायाम नैष्ठिकी रति जाता। अब जाता माने उत्पन्ना, कथम उत्पन्ना, हमको ये लगता है ये अभी अभी ध्यान आया है, इसके पहले नहीं ध्यान था। ये अब तक की जो कथा उन्होंने सुनाई है उसके कारण जाता, अगर इसके पहले तो तब जाता क्यों कहते। जाता शब्द हमारे यहां कहते ना व्यर्थ पढ़ के ज्ञापित करता है, व्यर्थम सद ज्ञापयति, कि एतत् पूर्व एतादृशी नैष्ठिकी रति नासीर, अधुना जाता और तस्मात अब मैं तुमको सुनाऊंगा। वासुदेव कथा प्रश्ना पुनसांस्त्रीन पुनाति वक्तारम पृषकम श्रोते तत्पाद सरिलम यथा। आज शालिग्राम जी का स्मरण हम लोग कर रहे थे, भगवान का चरणारविंद का जल, चरणामृत अकाल मृत्युहरणम सर्व व्याधि विनाशनम, विष्णु पादोदकम पीत्वा पुनर्जन्म लभते। भगवान का चरणामृत, चाहे वो शालिग्राम जी का हो और चाहे भगवती गंगा हो, गंगा मैया की जय, ले गंगावासी आ गए, बड़े टाइम पे आए माय डियर, बिराजो। मैंने टाइम देख रहे थे कि क्या खड़े होकर के, जैसे मैं गंगा का नाम लूं और आप अंदर प्रविष्ट हो, माने अव्यवाहित उत्तर क्षण में आ गए। पंडित है बड़े भारी, मजा आ जाए ऐसा बढ़िया पंडित। तो अव्यवाहित उत्तर क्षण में हमने तत्पाद सलिलम यथा गंगा जी का स्मरण किया और गंगावासी आ गए, स्वागत है। तो हम लोग चेक कर रहे थे, भगवान की कथा के बारे में कोई पूछता है ना, तो वो तीन जनों का कल्याण करता है। जो पूछ रहा है उसका तो कल्याण हो ही, क्योंकि इसके मन में वासुदेव कथा के प्रति आकर्षण है, इसलिए प्रच्छति पूछ रहा है। उस आकर्षण से आकृष्ट होके जिज्ञासा की जा रही है, तो जिससे जिज्ञासा की जा रही है उसको उत्तर देना है, तो उत्तर देने के पहले उस उत्तर को सोचना पड़ेगा, समाहित होना पड़ेगा, प्रश्ना के अनुरूप अपने को आकाराकारित करना पड़ेगा। अगर वासुदेव का प्रश्न है और वासुदेव के विषय में कहना है तो कहने वाले को वही तो बोलेगा जिस तरह उसके अंतःकरण की वृत्ति है। तो
जिससे पूछा जा रहा है उसको अपने अंतःकरण की वृत्ति को भी वासुदेवाकाराकारित करना पड़ेगा, और वासुदेवाकाराकारित अंतःकरण के द्वारा ही शब्द निश्चरित होंगे, वो भगवत कथा होंगी। तो इसलिए अगर कहीं और भी भागवत कथा कहने वाले का ध्यान है तो इसके पूछे जाने पे उसका अंतःकरण का वासुदेवाकाराकारित होना ये कथा सुनाने वाले के कल्याण का हेतु हो गया। तो पूछने वाला और पूछने वाला और बताने वाला दोनों तो लाभान्वित हुए। अब जब वासुदेव कथा सुनाएगा तो जो बगल में अगल बगल बैठे हैं उनको सुनने को मिल जाएगा, तो उनका भी कल्याण होगा क्योंकि श्रवण से भी अंतःकरण वासुदेवाकाराकारित हो जाएगा। तो इस दृष्टि से तीनों को पवित्र करती है। अब